झज्जर शहर के छिकारा चौक पर महिला पुलिस की टीम द्वारा मास्क का प्रयोग न करने वाले लोगों के चालान काटे जा रहे थे। इसी दौरान दो युवकों का पुलिस ने मास्क नहीं लगाने का चालान काट दिया। चालान काटते ही वो पूरी तरह से बिफर गए। उन्होंने पुलिस और अन्य वाहन चालकों की वीडियो बनानी शुरू कर दी। इसी दौरान यातायात पुलिस प्रभारी अपनी गाड़ी लेकर मौके पर पहुंचे तो वो उनसे भी उलझ पड़े। उन्होंने कहा कि कानून का सबके लिए बराबर है। पुलिस अधिकारी को भी कानून का पाठ पढ़ाया और कहा आपका भी चालान कटना चाहिए क्योंकि आपने भी मास्क नहीं लगाया। लेकिन यातायात प्रभारी ने कहा कि मेरे पास मास्क है, लेकिन युवक वीडियो बनाकर उसे वायरल करते रहे। काफी समय बाद मामला शांत हो पाया और वहां पर लोगों की भीड़ लगी रही। महिला पुलिस प्रभारी रीना देवी का कहना है कि करीब 25 लोगों के बिना मास्क लगाने के चालान काटे गए हैं। महिला पुलिस ने कहा कि पुलिस लोगों को कोरोना से बचाव के लिए उनकी भलाई के लिए काम कर रही है और लोगों को पुलिस का सहयोग करना चाहिए। मास्क वगैरह के चालान आप काट रहे हो, किस तरह के काट रहे हो? ये माननीय अपने एसपी साहब के आदेश अनुसार जो अभी ये महामारी फैली हुई है, इसी कारण जो बगैर मास्क के घूम रहे हैं उनके चलान किए जाते हैं। कितने चलान में रूटीन में किए जाते हैं? चलान तकरीबन 20-25 हो ही जाते हैं रूटीन में। हाँ, तो इसमें अलग ही महिला पुलिस भी है या और भी चलान काट रहे? और संबंधित थाना जो भी है, जैसे अपना महिला थाना हो गया, इसमें अलग से चलान किए जाते हैं और जितने थाने हैं वो अपने अलग अलग चलान तो हैं। जैसे कि कोई मास्क नहीं लगा रहा उसको जागरूक भी किया जा रहा है आपके द्वारा? बिल्कुल बिल्कुल। महामारी जिस तरह से फैलती जा रही है, आगे भविष्य में भाई कोई इसकी उसमें संपर्क में ना आए उसको मोटिवेट किया जाता है भाई अपने सावधानी बरते, मास्क लगाए, घर से बाहर जाए तब अपना सावधानी पूर्वक हर तरह की जो सावधानी है, मास्क वगैरह है या फिर जो भी बच्चा साथ में है, महिलाएं हैं, अपना सुविधा से अपनी सेफ्टी बरत के घर से बाहर। मतलब कोई मास्क ना लगाएगा तो पुलिस सख्ती दिखाई देगी? जिस सख्ती तो क्या है, उसका चलान वगैरह कर दे, उसको समझाए भाई भविष्य में आगे ऐसे ना करे। तो मतलब चलान तो भुगतना ही पड़ेगा अगर मास्क ना हुआ।